खबर है मिर्जापुर से। आज जनपद के 14 केंद्रों पर चल रहे पुलिस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हर परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहे, जिससे कि पुलिस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। दूसरे दिन भी प्रशासन द्वारा पुलिस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। आज मिर्जापुर जनपद के 14 केंद्रों पर चल रहे पुलिस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हर परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैद है, जिससे कि पुलिस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसी के दृष्टिगत आज 24 अगस्त को पुलिस परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के उच्च अधिकारीगण निरीक्षण करने पहुंचते रहे तथा मौके पर ड्यूटी पर लगे केंद्र प्रभारियों व पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्तियों को न आने दें, जिससे परीक्षा सकुशल संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। जी मैम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। यहाँ किस लिए आए हैं? आपका कौन सा पेपर चल रहा था? एसपीसी का पेपर दे। अच्छा, ये बताइए कि पेपर कैसा चल रहा आपका? पेपर अच्छा था, पेपर बहुत हार्ड नहीं था। इससे पहले भी आपने पेपर दिया था? जब पेपर लिख पेपर उसके पहले मतलब दिया था तो पेपर लीक हो गया था जी। दो छह महीने का हम लोग को टाइम मिला फिर जी जी, फिर हम लोग अपना रिवीजन करके फिर पेपर दिया। तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, आप अंदर क्या सुरक्षा रहे आप लोगों को लेके? मतलब इस बार तो हमें लग रहा है कि ऐसा पेपर लीक नहीं होगा। इस बार बहुत शासन से बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन उस बार तो बहुत पेपर पहले आउट हो गए। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम हो रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत पांडे है जी। पांडे जी बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ जी। यहाँ किस लिए, कौन सा पेपर देने आए हैं आप? तो इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है, तो क्या इस बार कुछ उम्मीद रखा जाए कैसा होगा? इस बार तो बहुत नहीं है, जिस तरह से कराई है शासन के प्रशासन किस तरह अपना कार्य कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार लीक की संभावना 0% है। अंदर क्या व्यवस्था रही है आप लोगों का? अंदर बढ़िया व्यवस्था है, एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदित्य मौर्य है। जी आदित्य जी बताइए, कहाँ से आए हुए हैं? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ। यहाँ किस लिए आए हैं बताइए क्या? मैं यहाँ, मेरा यूपी पुलिस का एग्जाम था, पूरी एग्जाम था, क्योंकि इसके पहले जो हमारा पेपर था वो लीक हो चुका था, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ा। तो इस बार आपने पेपर दिया, तो क्या उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? अब ये सर कुछ कह नहीं सकते, वैसे जिस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है, हमको तो नहीं लगता कि एग्जाम लीक होना चाहिए या फिर इसमें कुछ, अगर सरकार इसमें पूर्ण रूप से योगदान दे रही है कि पेपर लीक ना हो, अगर हमारे अधिकारी भी उसमें अगर सही तरीके से साथ देंगे तो इस चीज़ को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अच्छा, अंदर क्या व्यवस्था था? अंदर सारी व्यवस्था थी सर, हर मतलब कि 3-4 चरण में हमारी जांच हुई, उसके बाद हमको कमरे तक पहुंचाया गया और फिर उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ, हमने सही तरीके से एग्जाम दिया।